अगर आप हॉरर मूवीज के फैंस हैं, तो आप एड और लॉरेन वॉरन के बारे में जरूर जानते होंगे। एड और लॉरेन वॉरन इस पति पत्नी के जोड़े को दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है, जिनकी रिसर्च की गई पैरानॉर्मल केसेस पर कंजूरिंग और एनाबेल जैसी मशहूर हॉरर फिल्म्स बनी है। माना जाता है कि एड और लॉरेन ने मिलकर 10,000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पर काम किया था, और इन डरावनी पैरानॉर्मल केसेस को सुलझाते हुए उनके हाथों में कई प्रेत बाधित और श्रापित वस्तुएं लगी थी, जिन्हें संभाल कर एड और लॉरेन ने अपने घर के बेसमेंट में जमा करना शुरू किया। ये श्रापित चीजें लोगों के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए इन्हें सैकड़ों सालों तक लोगों की पहुंच से दूर रखा गया था। लेकिन कुछ सालों पहले इन चीजों के संग्रह को म्यूजियम का स्वरूप देते हुए लोगों के प्रदर्शन के लिए खोला गया। इस म्यूजियम का एक ही नियम था कि इस म्यूजियम में रखी किसी भी वस्तु को छूना नहीं है, वरना अंजाम जानलेवा हो सकता है। इस वीडियो में हम ऑकल्ट म्यूजियम में रखी कुछ सबसे डरावनी और श्रापित वस्तुओं के बारे में जानेंगे। शैडो डॉल। एक डायन द्वारा जादू टोने के लिए बनाई गई ये गुड़िया दिखने में ही इतनी खतरनाक है कि किसी के दिल की धड़कन ही रोक दे। इस गुड़िया को जानवरों की हड्डियां, इंसानी दांत और पक्षियों के पंखों से बनाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसकी तस्वीर खींचकर किसी व्यक्ति को उसके नाम के साथ जोड़कर भेजते हैं, तो ये डरावनी सी गुड़िया उसके सपनों में आकर उसे परेशान करेगी, और धीरे धीरे उस व्यक्ति को आने वाले ये सपने इतने डरावने होते जाएंगे कि एक दिन उसकी डर के मारे नींद में ही मौत हो जाएगी। द टॉय मेड बाय पजेस्ड बॉय। डायनासोर के इस खिलौने को डेविड नाम के एक छोटे बच्चे ने बनाया था, जब उसके शरीर पर एक शैतानी आत्मा हावी हो चुकी थी। फिर जब एड और लॉरेन इस केस की जांच करने पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि ये खिलौना अपने आप ही हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा, और इस खिलौने में से आवाज आई, जल्द ही तुम सब मारे जाओगे। और फिर ये खिलौना अचानक से नीचे गिर गया। कुछ दिन बीतने के बाद इस शैतानी आत्मा ने अर्नी नामक एक दूसरे आदमी के शरीर पर कब्जा किया। फिर अर्नी नाम के उस आदमी ने एक झगड़े के दौरान अपने घर मालिक का खून कर दिया। अर्नी ने सबके सामने कोर्ट में कहा कि उसी शैतानी आत्मा ने उसे अपने घर मालिक का बेरहमी से खून करने के लिए मजबूर किया था। वैम्पायर कॉफिन। शव रखने का ये ताबूत किसी इंसान का नहीं बल्कि एक असली वैम्पायर का है, जिसकी पुरानी तस्वीर को इसी ताबूत के ऊपर चिपकाया गया है। माना जाता है कि लोगों का खून पीने वाला ये वैम्पायर दिन के समय इसी ताबूत में सोता था, और रात होते ही शिकार के लिए बाहर निकलता था। श्रंकन हेड्स। श्रंकन हेड्स ये असली इंसानों के कटे हुए सिर हैं। अफ्रीकन योद्धा जो युद्ध में मारे जाते थे, उनके सिरों को काट लिया जाता था, खोखला करके उसमें भूसा भरा जाता था। फिर इन सिरों को हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाता। फिर इनकी मदद से वुडू के कई अनुष्ठान पूरे किए जाते थे। कई अफ्रीकन योद्धा कटे हुए इन सिरों का उपयोग दुश्मनों को डराने के लिए करते थे। माना जाता है कि अभी भी उन अफ्रीकन योद्धाओं की आत्माएं इन कटे हुए सिरों में बसती हैं, और ऑकल्ट म्यूजियम में रखे इन श्रंकन हेड्स को म्यूजियम में जा चुके कई लोगों ने धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ बातें करते सुना है। सैटेनिक आइडल। सैटेनिक आइडल नामक ये पुतला जंगल में शिकार करने गए एक शिकारी को मिला था। माना जाता है कि इसे शैतान की पूजा करने वालों ने बनाया था, और इसके अंदर कई शैतानी शक्तियां वास करती हैं। कहा जाता है कि इस शैतानी पुतले के आंखों में आंखें डालकर ज्यादा देर तक देखने पर आपको खुद शैतान नजर आ सकता है। कहा जाता है कि इसे छूने भर से ही इसके अंदर की शैतानी शक्तियां आपके ऊपर काबू कर सकती हैं। ब्लैक मैजिक डॉल्स। ये एक श्रापित गुड़िया है, जिसे खास करके किसी की जान लेने के मकसद से बनाया गया था। काला जादू करने के लिए अक्सर ऐसी ही गुड़िया इस्तेमाल की जाती है।
जिसमें किसी के बाल, नाखून या फिर इस्तेमाल की हुई अन्य चीजें जोड़ी जाती हैं और एक मांस के टुकड़े को उस गुड़िया के पेट के अंदर रखा जाता है और फिर ये श्रापित गुड़िया उसी व्यक्ति के घर के पास किसी पेड़ पर लटकाई जाती है और जैसे जैसे गुड़िया के पेट के अंदर मौजूद मांस सड़ने लगता है वैसे उस व्यक्ति की हालत खराब होने लगती है और आखिर में उसकी मौत तक हो सकती है। Tombstones of the Children। ये पत्थर बच्चों की कब्र से जुड़े हुए हैं जिन्हें शैतान की पूजा करने वालों ने जादू टोने में इस्तेमाल किया था और इसीलिए ये अब श्रापित हो चुके हैं और इन श्रापित पत्थरों से जुड़ी हुई शैतानी आत्माएं लोगों को ठेस पहुंचा सकती हैं और इसीलिए इन पत्थरों को इस म्यूजियम में शामिल किया गया है। वीजा बोर्ड। वीजा बोर्ड जिसे स्पिरिट बोर्ड या टॉकिंग बोर्ड इन नामों से भी जाना जाता है जिन्हें हैसब्रो नाम की टॉय कंपनी ने मार्केट में लाया था जिसके बाद ये आत्माओं से संपर्क करने का एक आसान तरीका बन गया। लेकिन स्पिरिट बोर्ड की मदद से आत्माओं से संपर्क करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक छोटी गलती और बुरी आत्माएं आपकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं ये बुरी आत्माएं आपके शरीर पर काबू पा सकती हैं। इन वीजी बोर्ड्स के वजह से कई छोटे बच्चे आत्माओं की बलि चढ़ चुके हैं और ऐसी ही एक केस के दौरान एड और लॉरेन वॉरन ने इस स्पिरिट बोर्ड को बरामद किया था जिसे अब ऑकल्ट म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। द हॉन्टेड ऑर्गन। श्रापित वस्तुओं के इस म्यूजियम में एक श्रापित संगीत वाद्य को भी शामिल किया गया है। ये एक ऑर्गन नाम का संगीत वाद्य है जो किसी पियानो की तरह काम करता है पर इसकी विशेषता ये है कि ये रात के अंधेरे में अपने आप ही बजने लगता है। माना जाता है कि इस ऑर्गन पर एक संगीत पसंद करने वाली लेकिन अशांत आत्मा का साया है जो रात के वक्त इस ऑर्गन पर एक खास धुन बजाती है। The Conjuring Mirror। ऑकल्ट म्यूजियम में मौजूद इस बड़े से आईने को शैतानी आत्माओं को हमारी दुनिया में बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर कुछ बुरे लोग इन आत्माओं की मदद से दूसरों को क्षति पहुंचाते थे। इसी कारण ये आईना शैतानी शक्तियों के आने जाने का एक खुला दरवाजा बन गया था। माना जाता है कि अभी भी इस आईने के अंदर कैद हो चुकी शैतानी शक्तियाँ आजाद होने की राह देख रही हैं। कर्स्ड नेकलेस। कहा जाता है कि ये श्रापित माला आज तक जिस भी स्त्री को पहनाई गई है उसे अपना दम घुटने का एहसास हुआ है। कहा जाता है कि मोतियों का ये हार एक औरत को तोहफे में मिला था लेकिन जैसे ही उस औरत ने ये श्रापित माला पहनी उसका दम घुटने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका दोनों हाथों से गला घोट रहा हो। फिर कई लोगों ने मिलके उस औरत के गले से ये माला तोड़ कर निकाली और तभी से इस माला के मोतियों को मौत के मोती इस नाम से जाना जाता है। हॉन्टेड स्कल्स। ऑकल्ट म्यूजियम में जानवरों की और इंसानों की कई खोपड़ियां संभाल कर रखी गई हैं। माना जाता है कि इन खोपड़ियों को इंसानों की और जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद हासिल किया गया था और फिर इन्हें काला जादू करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से ये श्रापित और बहुत खतरनाक बन चुकी हैं। नेक्रोनॉमिकॉन। इस किताब को बुक ऑफ डेथ मतलब मौत की किताब इस नाम से भी जाना जाता है जिसके अंदर शैतानी शक्तियाँ और राक्षसों को बुलाने के कई अनुष्ठान लिखे गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। पर ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किताब है क्योंकि इसके इस्तेमाल से नर्क के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन की असली कॉपी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि असली नेक्रोनॉमिकॉन सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है जो इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते और ऐसी ही एक नेक्रोनॉमिकॉन की किताब ऑकल्ट म्यूजियम में देखी जा सकती है जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। हॉन्टेड मास्क।
एड और लॉरेन वॉरन के इस ऑकल्ट म्यूजियम में सैकड़ों ऐसे नकाब है जिन्हें श्रापित माना जाता है। कुछ नकाब दिखने में डरावने हैं, तो कुछ नकाबों का इतिहास डरावना है। इनमें से ज्यादातर नकाबों का प्रयोग शैतानी आत्माओं को बुलाने के अनुष्ठानों में किया जाता था, और इन नकाबों को धारण करना मतलब शैतानी आत्माओं को अपने शरीर में बुलावा देने जैसा ही है। हॉन्टेड वेडिंग ड्रेस। शादी में पहने जाने वाला ये सफेद गाउन प्रेत बाधित माना जाता है। माना जाता है कि ये गाउन यूनियन ग्रेवयार्ड के व्हाइट लेडी का है, जिसकी मौत अपने शादी के दिन हुई थी, और मरते वक्त उसने यही वेडिंग ड्रेस पहन रखा था, और तभी से दुर्घटना हुई। उस सड़क पर व्हाइट लेडी की आत्मा लोगों को दिखाई देने लगी। कई लोगों को व्हाइट लेडी सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ियों से उसकी टक्कर भी हो जाती है, और एक्सीडेंट के बाद कुछ ही पलों में व्हाइट लेडी की लाश गायब हो जाती है। माना जाता है कि अगर कोई इस श्रापित वेडिंग ड्रेस को पहन लेता है तो उसका बर्ताव बहुत ज्यादा हिंसक हो जाता है। साइकिक फोटोग्राफ्स। साइकिक फोटोग्राफ्स, जिन्हें घोस्ट फोटोग्राफ्स यानी आत्माओं की तस्वीरें कहा जाता है, अनजाने में ली गई ये तस्वीरें कुछ बहुत ही रहस्यमयी आकृतियां प्रदर्शित करती हैं। माना जाता है कि आत्माएं सभी लोगों को नहीं दिखाई देती, लेकिन तस्वीर में कैद हो चुकी आत्मा को सभी लोग देख सकते हैं, और ऐसी कई तस्वीरें ऑकल्ट म्यूजियम में संभाल कर रखी गई हैं, जिनमें से कुछ को श्रापित माना जाता है। The Haunted Brick। इस ईंट को इंग्लैंड के सबसे भूतह घर की ईंट माना जाता है। साल 1862 में बांधे गए बोरली रेक्टोरी नामक इस विक्टोरियन घर में कई सारे लोगों ने बहुत ही डरावनी भूतह गतिविधियों का अनुभव किया था, और कई लोगों ने इस घर के आसपास के परिसर में एक डरावनी सी नन की आत्मा को मंडराते हुए देखा था। कहा जाता है कि ये उसी नन की आत्मा है जिसे सजा के तौर पर इसी घर की दीवार में जिंदा ही दफनाया गया था। ये भूतह घर अब नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी ये ईंट एड और लॉरेन वॉरन ने अपने म्यूजियम में संभाल कर रखी हुई है। अफ्रीकन फर्टिलिटी डॉल्स। लकड़ी से बनी ये गुड़ियाएं अफ्रीका में रहने वाली कुछ औरतें, जिन्हें कई सालों से बच्चे नहीं हुए, इन गुड़ियाओं को अपने शरीर से इस आशा में बांध कर रखती हैं कि शायद एक दिन वो माँ बन जाएं। पर कहा जाता है कि अफ्रीका में रहने वाली एक डायन ने फर्टिलिटी डॉल्स के नाम से ये गुड़ियाएं कुछ औरतों को बेची, पर इन श्रापित गुड़ियाओं को इस्तेमाल करने वाली औरतें एक के बाद एक रहस्यमय बीमारी से मरने लगी, और इन श्रापित गुड़ियाओं को एड ने अफ्रीका की घाना नामक जगह से हासिल किया। डिफ डॉल्स। ये दो डरावनी सी दिखने वाली गुड़ियाएं काले जादू के लिए इस्तेमाल की गई थी, और बस तभी से ये श्रापित बन गईं। कहानी के मुताबिक अमेरिका में रहने वाली एक औरत, जिसे अलग अलग गुड़ियाएं इकट्ठा करने का शौक था, उसने एक एंटिक सेलर से इन गुड़ियाओं को खरीदा और इन्हें अपने घर पर संभाल कर रखा। लेकिन उसी दिन से उसके घर में अजीब सी चीजें होने लगी, और उसका छोटा लड़का भी किसी रहस्यमयी बीमारी से दिन ब दिन कमजोर होने लगा। फिर पूरी तरह से हताश हो चुकी उस औरत ने एड और लॉरेन से संपर्क किया, और फिर उन दो गुड़ियाओं से जुड़े खतरे को भांपते हुए एड और लॉरेन वॉरन ने उन श्रापित गुड़ियाओं को फौरन ही अपने ऑकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित तरीके से बंद कर दिया। लेकिन एक घटना में ऑकल्ट म्यूजियम की टूर पर आए एक जवान लड़के ने इनमें से एक गुड़िया को अपने हाथों से उठाया, फिर उसी दिन उस लड़के की बहुत ही रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। एनाबेल। एनाबेल नामक ये श्रापित गुड़िया, जिसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, इसे दुनिया की सबसे श्रापित चीज माना जाता है। माना जाता है कि ये गुड़िया शैतान का घर है, और म्यूजियम में आने वाले सभी लोगों को इस श्रापित गुड़िया के बारे में खास चेतावनी दी जाती है, क्योंकि ये शैतानी गुड़िया लोगों की जान ले चुकी है, और इसीलिए इसे लकड़ी के एक बक्से में बंद करके रखा गया है ताकि कोई इसे छू ना पाए। पर फिर भी इसका श्राप जानलेवा है, क्योंकि एक जवान लड़का जिसने एनाबेल को रखे बक्से की कांच ठकठका कर एनाबेल का मजाक उड़ाया था, ठीक उसी दिन उस लड़के की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई।
एनाबेल कम्स होम इस फिल्म में दिखाए गए कई सारे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मंकी टॉय और समुराई आर्मर, इनका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं है और इन्हें सिर्फ फिल्म को डरावनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।